गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 166, द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या बच्चों? द शिप ऑफ द डेजर्ट। बच्चों आज डेट है फेब 10, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डीवॉर्मिंग डे। आपको याद है ना, आपको छोटी छोटी टैबलेट्स दी जाती हैं नेशनल डीवॉर्मिंग डे। वॉर्म फ्री चिल्ड्रन, हेल्दी चिल्ड्रन, किसके लिए बच्चों? आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। डू यू नो द नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10 एवरी ईयर विद ए मोपअप डे ऑन February 15। The objective of this day is to eradicate intestinal worms. So, वो worm, वो कीड़े जो हमारी आंत के अंदर होते हैं, intestine के अंदर होते हैं, among all preschool and school age children through the platform of schools and Anganwadi centers. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, access to education and quality of life. बच्चों स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। चलिए अपनी वर्कशीट देखते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू रेड द कन्वर्सेशन बिटवीन द लायन एंड द कैमल इन द प्रीवियस वर्कशीट। दे आर फैसिनेटेड बाय ईच अदर, लेट अस सी व्हाट इंटरेस्ट्स देम। जो आप इसको पढ़ेंगे आप मेरे साथ। Loyan was really fascinated by the camel and his hump. So he asked him about it. Camel told him, I store water and food in the hump. There are no lakes or rivers in the desert, but that never bothers me. I can consume about 200 bottles of water in one go. Ek baar mein 200 ke aas paas bottle जो कैमल है वो ड्रिंक कर लेता है। कैमल फर्दर एडेड ऑन बाय सेइंग, आई कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 2 वीक्स एट ए स्ट्रेच। और वो 2 सप्ताह तक बिना खाने और पानी के रह सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो स्टोर करके रख लेता है खाने को। लोयन वाज अमेज्ड टू नो दैट ही showed camel his feet and said, my padded feet protect me from thorns and I can run 80 kilometers per hour. Camel replied, my padded feet help me to run even on hot sand at 25 kilometers an hour. They both understand that their bodies help them to survive in their habitats. बच्चों उनके वातावरण में उनकी जो बॉडी है, शरीर है, वो इस तरीके से बनी हुई है कि वो उनको मदद करती है जीवित रहने में। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए बच्चों, आप करेंगे सभी को, इजी है ना? कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों, ठीक है? और वर्कशीट 153, 154 एंड 157 हमारी वर्क बुक में जो दी गई है इंग्लिश की, उसको करना ना भूलें। अभिभावक बच्चों को बताएं कि स्वच्छ पानी का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। थैंक यू।